सब्सक्राइबर, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 16 स्टैंडर्ड 7th का। और इसके पहले मैं प्रीवियस चैप्टर करा चुका हूँ। आज हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इसके पहले आपने पुराने क्वेश्चन आंसर नहीं किए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर सारे प्लेलिस्ट 4 to 12 स्टैंडर्ड के हर सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं। आप वहाँ से चुन के जो भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए आप वहाँ से डायरेक्ट प्लेलिस्ट में पहुँच जाओगे। जाओ चेक करो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिए, ताकि आगे आने वाले सारे अपडेट और सारे क्वेश्चन आंसर आपको और सारे एक्सप्लेनेशन पहले आपको मिल सके। तो चलते हैं डायरेक्ट इसकी क्वेश्चन आंसर की तरफ। देन हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द नेचुरल रिसोर्स विथ रेफरेंस टू द फॉलोइंग 3 टाइप्स। ठीक है, 3 टाइप के नेचुरल रिसोर्स दिए हुए, हमें इनको डिफाइन करना है यानी डिस्क्राइब करना है। तो चलते हैं डायरेक्ट इसके आंसर की तरफ। मैंने आप लोगों के लिए लिख के रखा है। देन ये रहा हमारा फर्स्ट आंसर, मिनरल रिसोर्स। तो ये देख लो आपको, दीज रिसोर्सेज आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट एंड टेकन आउट फ्रॉम द माइंस। माइनिंग करके इनको खोद कर निकाला जाता है। सम ऑफ देम लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनियम एंड बिस्मिथ आर फाउंड इन फ्री स्टेट, वाइल आयरन, एल्युमिनियम, मेका आर फाउंड इन मिक्स स्टेट। क्या होता है, इसमें से जब निकालते हैं तो कुछ तो फ्री स्टेट में मिल जाते हैं डायरेक्ट टू डायरेक्ट, और कुछ क्या होता है मिक्स होते हैं मिट्टी अलग अलग कंपोनेंट के साथ, अलग अलग मिनरल के साथ। तो फिर इनको बाद में अलग अलग तरीके से फिल्ट्रेशन वगैरह करके अलग किया जाता है। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ, फॉरेस्ट रिसोर्सेज। फॉरेस्ट रिसोर्सेज हमें क्या क्या मिलते हैं, तो ये है उसका आंसर। आप यहाँ से देख लो और कॉपी कर लो। देन हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ, ये हमारा ओशियन रिसोर्स, कि ओशियन से हमें क्या क्या मिलता है। ठीक है, ओशन हमें बहुत चीज़ें प्रोवाइड करता है, जैसे मिनरल प्रोवाइड करता है, बायो रिसोर्स, मिनरल थोरियम इज अ सैंड एंड मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, हाँ, सी बेड्स, ऑयल गैस, ये सारी चीज़ें हमें, इलेक्ट्रिसिटी भी जो जनरेट होती है वो ज़्यादातर क्या होती है, ओशन से ही जनरेट होती है। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड। इतने सारे आंसर हैं, इनको हमें अपने ओन वर्ड में लिखना है। तो चलते हैं सीधे इसके आंसर की तरफ, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। और आंसर मैंने काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़े तो नहीं लिखा है, बट हाँ जितनी रिक्वायरमेंट है उतना तो मैंने लिखा है। चलो चलते हैं डायरेक्ट आंसर की तरफ। तो ये यार आपका पहला आंसर, व्हाट इज़ मीन बाय फॉसिल फ्यूल, व्हाट आर देयर टाइप। फॉसिल फ्यूल क्या होता है और उसका टाइप्स क्या होते हैं, ये देख लो यहाँ से और कॉपी कर लो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट और बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैक्स मिस कर दिए थे, बट अभी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको सारे आंसर और सारे हैक्स और ट्रिक्स वो है रेगुलरली मिलते रहेंगे। ये हमारा नेक्स्ट आंसर बी, मेक अ लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट विच ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल। तो उसके लिस्ट बने हुए हैं, लाइक क्रूड मिनरल ऑयल इज अ मिक्सिंग ऑफ मेनी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल ऑयल, एविएशन पेट्रोल, गैसोलीन, डीजल, कैरोसिन एंड नेप्थन, लुब्रिकेंट्स ऑयल एंड टार, ये सारे। फिर बढ़ते अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है। फिर आ गए अपने आंसर नंबर डी की तरफ। आंसर नंबर डी में आप देखो, क्वेश्चन नंबर डी में दो क्वेश्चन है, व्हाट आर द आइटम इंक्लूडेड इन ओशन रिसोर्सेज, व्हाट आर देयर यूजेस। पहले तो हमको क्या क्या आइटम है वो बताना है। तो पहला आंसर ये है, उसके बाद व्हाट आर देयर यूजेस, उसके आंसर मैं अलग से लिख के रखा हूँ, वो भी आपको देता हूँ। ये रहे उसके नेक्स्ट आंसर। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई, व्हाई शुड वी प्रिवेंट द वेस्टेज ऑफ फ्यूल यूज फ्रॉम व्हीकल, क्यों क्यों हमें प्रिवेंट करना चाहिए, क्या वेस्टेज ऑफ फ्यूल नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसका आंसर देख लो यहाँ पर और कॉपी कर लो। चेतो। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट आंसर की तरफ, ये रहा, देख लो इसको, इसको भी कॉपी कर लो। फिर आ गए हम अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ। हाँ, ये जी में आपको ना 5 आंसर दिए, मतलब ऐसा है कि अलग टाइप दियो ना, जैसे 5 यूजफुल मिनरल दिए, इन सब के बारे में हमको कुछ ना कुछ बताना है। ठीक है, राइट द नेम ऑफ द 5 मिनरल एंड यूजफुल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम देम, और इनसे क्या ऑब्टेन होता है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले आयरन के बारे में लिख लो, ये फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर मैंगनीज के बारे में लिख लो, मैंगनीज के बारे में क्या यूजफुलनेस है, क्या इंपॉर्टेंस है, एन
एंड देन बॉक्साइट के बारे में लिख लो, क्या इंपॉर्टेंस है इसके बॉक्साइट के। देन कॉपर के क्या यूजफुलनेस है उसको भी आप जान लो, यहाँ पर दिया हो। सबसे पहले तो कॉपर बहुत गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि आपको जितने भी वायर दिखते हैं ना मोस्टली वो कॉपर वायर ही यूज़ होते हैं आपके घर में, है ना। और ये क्या होता है, रेडियो टेलीफोन व्हीकल, ये हर जगह पे यूज़ किए जाते हैं यूटेंसिल्स वगैरह बनाने के लिए भी, मतलब कॉपर के बर्तन वगैरह भी बनते हैं और बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए कॉपर के बर्तन में पानी वगैरह पीना। फिर ये आ गया मीका, मीका शीट सबसे ज़्यादा आपको कहाँ देखने मिलेगा, आपका इस्त्री होता है ना प्रेस, उसके नीचे जो शीट लगा हुआ रहता है ना जो अच्छे से हीट होता है वो मीका शीट होता है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मीका इज आयुर्वेदिक मेडिसिन डाई इलेक्ट्रिक मशीन एंड इक्विपमेंट वायरलेस कम्युनिकेशन और इक्विपमेंट में यूज़ होता है। फिर देखते हैं अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप आर टेकन फॉर प्रोटेक्शन एंड कन्वर्जेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्या स्टेप लेना चाहिए हमें नेचुरल रिसोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनको बचाने यानी कंजर्व करने के लिए। तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ, ये कुछ मेजर्स दिए हुए हैं, कुछ प्रोटेक्शंस दिए हुए। सबसे पहला है रिजर्व ऑफ नेचुरल रिसोर्स आर लिमिटेड, सबको पता है नेचुरल रिसोर्स जितने भी वो लिमिटेड है ना। देयर एक्सेसिव यूज़ शुड बी कंट्रोल अदरवाइज देयर विल बी अर्ली डिप्लेशन, उसका जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको हमें कंट्रोल में करना चाहिए, क्योंकि ऐसा रहा तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। लिविंग रिसोर्स आर रिन्यूएबल बट एक्सेसिव हार्वेस्टिंग कैन लीड टू डिप्लेशन, जो लिविंग रिसोर्स है वो रिन्यूएबल है ना, बट एक्सेसिव अगर वो भी करेंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएगा ना। दे रिक्वायर कन्वर्जेशन ऑफ, दे कैन बी रीजनरेट ईयर आफ्टर एन ईयर, बट हम इसको कैसे रीजनरेट कर सकते हैं ईयर आफ्टर इन ईयर की तरफ। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ, एक सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये चार्ट दिया फ्लो चार्ट, ये आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो देख ही लिया हमने फ्लो चार्ट, चलो फिर भी देख लेते हैं एक बार फ्लो चार्ट क्या था। ये रहा आपका फ्लो चार्ट, फ्यूल और फॉसिल फ्यूल, फिर उसकी चार स्टेट है सॉलिड लिक्विड एंड गैस। फिर सॉलिड में कोल आता है, कोल के अंदर पीट लिग्नाइट बिटुमिस और एंथ्रासाइट आता है। फिर मिनरल में होता है पेट्रोल डीजल केरोसिन नेप्थॉल एंड टार, एंड गैस में आता है मीथेन इथेन प्रोपेन एंड ब्यूटेन। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ, देन आपको क्वेश्चन नंबर फिफ्थ दिया, हाउ डज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ नेशन डिपेंड ऑन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज, तो देखते हैं इसका आंसर। ये मैंने आपके लिए लिख के रखा है, देख लो इसका आंसर और इसको यहाँ पे पॉज कर लो, चाहे तो कॉपी मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहे तो पॉज करके कॉपी कर सकते हो, जैसा आपका दिल करे। देन क्वेश्चन नंबर सिक्स है, विच मेडिसिनल प्लांट विल यू ग्रो ऑन योर स्कूल प्रेमिसिस एंड नियर योर हाउसेस, वाई, कौन कौन से प्लांट आप ग्रो करोगे कहाँ अपने स्कूल के पास और अपने घरों में और क्यों लेकिन। तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ, तो ये है हमारा आंसर, नीम अश्वगंधा अश्वगस अडलसा आमला रिवेंकल सिनामोन चिंचोना बेल दुर्वा ग्रास तुलसी टर्मरिक जिंजर कैन बी प्लांटेड नियर द स्कूल एंड स्कूल प्रेमिसिस, स्कूल के आसपास। दीज प्लांट आर इजी टू ग्रो एंड दे आर of immense help, therefore at a time will be made to grow them, है ना, बहुत help करते हैं इसलिए हमें ज़रूरत है इनको बढ़ाने की और उगाने की। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि नेक्स्ट चैप्टर जो भी मैं लूँ मतलब जो भी पढ़ाऊँ जिसका भी वीडियो बनाऊँ आपको सबसे पहले मिल जाए।